हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आपका जीएस फॉर कॉम्पिटिशन स्वागत करता हूं। और हम लोग एनटीपीसी यानी आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके सामने यहां पर पांचवा सेट है क्वेश्चन को, यहां पर ध्यान से सॉल्व कीजिए, कहीं ना कहीं जो है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत यानी माउंटेन रेंज विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। चार ऑप्शन है आपके सामने, ए एंडीज पर्वत, बी हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत और यूराल पर्वत। यस, बताएं क्या आंसर होना चाहिए आपका, कोशिश कीजिए। चलिए इसका आंसर है आपका एंडीज, यानी एंडीज पर्वत रेंज यानी एंडीज माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी यूएसए एंड डी मैक्सिको। यस स्टूडेंट, क्या आंसर होगा आपका, कोशिश कीजिए। चले इसका आंसर है आपका ए ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में है और देश कौन सा टच है, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखें, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। आपके सामने ए ड्रैकेंसबर्ग, बी अल्पस, सी अल्पस एंड डी हिमालय। बताएं सबसे प्राचीन पर्वत माला इसमें से कौन सी है, क्या होगा उत्तर आपका। चलिए इसका आंसर है आपका ए ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत ड्रैकेंसबर्ग है जो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहां देखिए आपको पेयर मिलाना है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, यानी इसमें पेयर कौन सा सुमिलित नहीं है, इसमें एक तरफ प्लेटू है दूसरी तरफ कंट्री है। यहां देखिए, माटो ग्रासो का पठार, दारफूर का पठार, कोलोराडो का पठार और किम्बर्ले का पठार। सामने आपके देश हैं ब्राजील, सूडान, अमेरिका और कनाडा। यस स्टूडेंट, बताएं इसमें से चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, माटो ग्रासो का पठार ब्राजील, दारफूर का पठार सूडान, कोलोराडो का पठार अमेरिका और किम्बर्ले का पठार कनाडा। क्या उत्तर होगा, चलिए इसका आंसर है आपका डी किम्बर्ले का पठार। किम्बर्ले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में नहीं है। आगे देखें, यहाँ पे आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी, माय मिस्टेक, माफ कीजिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी एन राव और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएं क्या उत्तर होगा आपका, चलिए इसका आंसर है आपका बी यानी सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। आगे देखें, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है, यानी इसमें से कौन लीगल एडवाइजर होता है, लीगल एडवाइजर, ए महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी ऑफिस ऑफ कैग, बी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी उच्चतम न्यायालय यानी कि आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट और डी निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। बताएं चारों में से कौन सा आंसर होगा, विधिक सलाहकार पूछ रहा है, विधिक सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर, बताइए। चलिए इसका आंसर है आपका बी यानी कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए प्लीज, सातवां क्वेश्चन है, भारत सरकार की विदेश नीति का आधार है यानी फॉरेन पॉलिसी का बेस है, ए आर्टिकल 40, आर्टिकल 45, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। बताएं चारों में से क्या उत्तर होगा, फॉरेन पॉलिसी का बेस कौन सा है इसमें। चलिए इसका आंसर है आपका डे यानी कि अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर बल दिया गया है जो हमारी विदेश नीति का बेस है। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है यानी जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है उसका प्रेसिडेंटशिप कौन करता है, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। क्या उत्तर होगा आपका, बताएं। चलिए इसका आंसर है आपका सी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइंट सिटिंग, यानी ज्वाइंट सिटिंग के लिए उत्तरदायी है कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और रट जाइए, साथ साथ में याद रखें कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होता है तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए आगे करते हैं, आठ क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक आपका। नौवां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कहीं ना कहीं पेपर में आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान से अच्छी तरह सॉल्व करें, पूरी ताकत लगाइए। चलिए नौवां क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी बिहू फोक डांस
किस स्टेट का डांस है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी असम और डी मेघालय। यस स्टूडेंट बताएं। चले इसका आंसर है आपका सी यानी असम। असम जो है बिहू नृत्य यानी बिहू फोक डांस असम स्टेट का है। अगर देखिए दसवां क्वेश्चन करेंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य मालाबार युद्ध अभ्यास 2017 हुआ, यानी मालाबार एक्सरसाइज किन राष्ट्रों के बीच हुआ है? ए भारत अमेरिका चीन, बी भारत चीन जापान, सी भारत अमेरिका जापान और डी भारत रूस जापान। बताएं क्या उत्तर होगा। चलिए इसका आंसर है आपका सी भारत और अमेरिका और जापान के बीच में मालाबार वॉर एक्सरसाइज 2017 कंडक्ट हुआ था। चलिए आगे देखें। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है, एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया? ए के कस्तूरी रंगन, बी विजय केलकर, सी सी रंगराजन और डी विजय सालवे। बताएं क्या उत्तर होगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर है ए यानी कि के कस्तूरी रंगन को एज ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया। रट जाइए कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस सकता है। 12वां क्वेश्चन, वर्ष 2016 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एक्चुअली नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन जो होते हैं रिसेंट में ना पूछकर 2015-2017 में आरआरबी एनटीपीसी के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर 2016 का सेट किया है। वर्ष 2016 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ए जुआन मैनुअल सेंटोस, बी माइकल कोस्टालिस, सी बॉब डेलन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ दिस। बताएं क्या उत्तर होगा आपका। अगर याद है तो कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर है आपका ए यानी जुआन मैनुअल सेंटोस को 2016 का नोबेल का पीस प्राइस दिया गया था। 13 क्वेश्चन है, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करते हैं यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को अलग करता है? ए रिक्तिका यानी वैकुलस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स एंड डी कोशिका भित्ति सेल वॉल। बताएं यानी इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के सेल्स को कौन डिवाइड करता है? कोशिश कीजिए, यू कैन डू दिस। चलिए इसका आंसर है सेल वॉल यानी कि डी यानी कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करती है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है यानी पेयर कौन मैच्ड नहीं है? बताएं, एक तरफ प्लास्टिड है और दूसरी तरफ एग्जाम्पल है यानी लवक। देखिए ए लाइकोपिन के सामने टमाटर, कैरोटीन के सामने गाजर, विटामिन के सामने है चुकंदर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इसमें से कौन सा पेयर सही नहीं है, यू कैन डू दिस। चलिए इसका आंसर है आपका डी उपरोक्त में से कोई नहीं यानी तीनों के जो है मैच्ड हैं, चौथा उत्तर आपका सही होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में नहीं होता यानी इसमें से कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता? ए एडिनिन, बी गुआनिन, सी थाइमिन और डी यूरासिल। बताएं चारों में से क्या उत्तर होगा गाइस, यू कैन डू दिस। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर है आपका डी यूरासिल। यूरासिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता, बल्कि यूरासिल की बात करें तो ये आरएनए में पाया जाता है। आगे चलिए देखते हैं आपके सामने यहां पर 16 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, साइंस का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है यानी इसमें से कौन सा हार्मोन प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है? पहला ऑक्सिन्स, बी जिब्रेलिन्स, सी साइटोकाइनिन एंड डी एब्सिसिक एसिड। बताएं कौन सा हार्मोन प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है? बताएं गाइस, यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। चलिए इसका आंसर है आपका ए ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो हार्मोन होता है पौधों का हार्मोन है जो पेड़ पौधों के ग्रोथ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन वृद्धि में सहायक होता है यानी महिलाओं के स्तन की वृद्धि में सहायक होता है, पूरी तरह से हेल्प करता है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी रिलैक्सिन एंड डी एसटीएच। यस गाइस बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस,
चलिए इसका आंसर है आपका ए प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं के स्तन की वृद्धि में सहायक होता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18 महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी महात्मा बुद्ध को कहाँ पे नॉलेज मिला था? ए बोधगया, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती एंड डी वैशाली। बताएं स्टूडेंट क्या उत्तर होगा। चलिए इसका आंसर है आपका ए बोधगया, यानी बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर ध्यान से देखिए 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। ए राज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी विद्यालय और डी उत्तम चोल। यस स्टूडेंट बताएं क्या उत्तर होगा। यू कैन डू दिस, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। चलिए इसका आंसर है बी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था। 20वां क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही फेमस है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, यानी चीनी जो ट्रैवलर फाहियान था किसके समय भारत आया था? ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी समुद्रगुप्त एंड डी कुमारगुप्त। यस स्टूडेंट बताएं कहाँ किसके समय में फाहियान भारत आया था, कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर है आपका बी चंद्रगुप्त सेकंड, यानी फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त सेकंड के समय में किया था। 21वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता, दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से जानते, बताएं। ए गांधी इरविन समझौता, बी गांधी अंबेडकर समझौता, सी गांधी रैमसे मैकडोनाल्ड एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं किसे दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। यू कैन डू दिस, कर सकते हो। चलिए इसका आंसर है ए गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसे दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, देखिए ध्यान से। जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह स्थिति होती है। जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह स्थिति होती है। क्या उत्तर होगा? ए शून्य कीमत लोच, अनंत कीमत लोच, इकाई कीमत लोच एंड डी इनमें से कोई नहीं। बताएं। चलिए इसका आंसर है आपका ए शून्य कीमत लोच। 23वां क्वेश्चन, जैसे जैसे मांग का चपटापन बढ़ता है मांग की लोच होती है। जैसे जैसे मांग का चपटापन बढ़ता है मांग की लोच होती है। बताएं अधिक, कम, अनंत के बराबर और डी शून्य के बराबर। यस स्टूडेंट क्या उत्तर होगा? इकोनॉमिक्स में कराया हुआ है आपको क्लासरूम में, कोशिश कीजिए। इसका आंसर है आपका ए अधिक। 24वां क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। रेपो दर से तात्पर्य है जिस दर पर एक बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेता है। बी वह दर जिस पर एक बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार लेता है। आगे देखें आपके सामने है सी, सी को ध्यान से देखिए, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से पैसा शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेता है। डी वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से पैसा लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेता है। बताएं, कोशिश कीजिए, थोड़ा टफ है लेकिन यू कैन डू दिस। इसका आंसर है आपका ए वह दर जिस पर एक बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेता है उसे रेपो दर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग परजीवी यानी पैरासाइट के द्वारा फैलता है। ए मलेरिया, बी पाइरिया, सी सोने की बीमारी और डी उपरोक्त सभी। बताएं कौन सा रोग परजीवियों के द्वारा फैलता है, परजीवी पैरासाइट के द्वारा फैलता है। क्या उत्तर होगा? चलिए इसका आंसर है आपका डी यानी उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी बीमारियां परजीवियों के द्वारा फैलती हैं। आई होप कि आपके 25 में से कम 20 से 22 क्वेश्चन बने हों। अगर लगातार 20 से 22 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो मतलब आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के बिल्कुल नज़दीक हैं। आने वाले और सेट को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि नए अपडेटेड आपको वीडियो मिलते रहें। मैं कोशिश करूँगा RRB NTPC के सेट आपको देता रहूं। थैंक यू एंड टेक केयर।